श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सब रूपों में एक ही ईश्वर। प्यारे लोगों, सब लोग सुखी और आनंदित रहना चाहते हैं। मन और इंद्रियों को जो सुहाता है उसको लोग सुख कहते हैं और इससे जो आनंद मिलता है उससे आनंदित होते हैं। मन संसार के पंच विषयों को ग्रहण करता है। वे विषय हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन विषयों के अतिरिक्त और कुछ संसार में देखने में नहीं आता है। संसार के भोगों में फंसकर लोग उस आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते जो सदा आनंद ही आनंद बना रहे। इसीलिए जीवों को उस आनंद की प्यास लगी ही रहती है। इंद्रियां नाशवान है, इसलिए उनका सुख भी अनित्य है। चाहिए कि नित्यानंद की प्राप्ति हो और जिसका कभी अंत न हो, ऐसा सुख हो और इसी के संबंध का आनंद हो। इसी की प्राप्ति के लिए यत्न है ईश्वर की भक्ति। ईश्वर भक्ति के लिए ईश्वर स्वरूप का जानना आवश्यक है। ईश्वर स्वरूप अव्यक्त है, इंद्रियातीत है। जीवात्मा भी अव्यक्त है और इंद्रिय ज्ञान से परे। परमात्मा को जीवात्मा ही जान सकता है। किसी एक इंद्रिय से ग्रहण होने योग्य पदार्थ दूसरी इंद्रिय से ग्रहण नहीं होता है। उसी तरह ईश्वर चेतन आत्मा के अतिरिक्त किसी से ग्रहण नहीं हो सकता। ईश्वर क्या है, यह प्रश्न ठीक है। इसका उत्तर है कि जो चेतन आत्मा से ग्रहण हो, चेतन आत्मा जब तक इंद्रिय मन बुद्धि में रहती है तब तक उसको ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता। जैसे आंखों पर पट्टी रहने से बाहर की चीज दिखाई नहीं पड़ती, यद्यपि आंख में देखने की शक्ति है। इसी तरह चेतन आत्मा पर जो शरीर इंद्रिय का आवरण है, इस कारण से ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। इन आवरणों को हटाइए तो ईश्वर का दर्शन होगा। कितने लोग कहते हैं कि ईश्वर आकर स्वयं दर्शन देंगे जिस रूप में हम दर्शन करना चाहेंगे। रूप को देखने से ईश्वर स्वरूप का दर्शन नहीं होगा। राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव आदि अनेक रूप हैं और इन सब रूपों को लोग ईश्वर मानते हैं, ठीक है। लेकिन क्या अनेक रूपों में होने के कारण ईश्वर अनेक हैं? ईश्वर अनेक हैं यह किसी को मंजूर नहीं हो सकता। ऐसा कह सकते हैं कि सब रूपों में एक ही ईश्वर है। उस एक ईश्वर को जानने के लिए क्या उपाय है? अपने को पवित्र करो। संत दादू दयाल जी ने कहा, घर माँ है घर निर्मल राखे, पंचो धोवे काया कपड़ा। और संत कबीर साहब ने कहा, घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। जब ऐसा हो तब ईश्वर का दर्शन होगा और यही ईश्वर भक्ति की प्राकाष्ठा है। अपने को स्थूल से सूक्ष्म में और सूक्ष्म से कारण में, कारण से ऊपर महाकारण में ले जाओ, फिर कैवल्य दशा प्राप्त करो। इसके लिए पहले सिमटाव की आवश्यकता है। प्रत्येक वस्तु जिसका सिमटाव होता है, सिमटाव से विपरीत ओर को बढ़ती है। अभी हमारा मन चेतन आत्मा से मिला हुआ है। मन इतना सिमट जाए कि एक बिंदुता प्राप्त कर ले, तब इसकी ऊपर चढ़ाई हो जाएगी। इस चढ़ाई या आरोहण में चेतन आत्मा कैवल्य दशा प्राप्त करेगी और ईश्वर को भी प्राप्त करेगी। इसके लिए ध्यान करना चाहिए। ध्यान में पहले स्थूल अवलंब चाहिए। इसके लिए पहले स्थूल जप और फिर स्थूल मूर्ति का ध्यान हो, फिर सूक्ष्म ध्यान करो। सूक्ष्म ध्यान दृष्टि योग से होता है। सूक्ष्म ध्यान के लिए संत दादू दयाल जी का वचन है, मन ही सन्मुख नूर है, मन ही सन्मुख तेज,
मन ही सन्मुख ज्योति है, मन ही सन्मुख सेज। मन ही सो मन थिर भया, मन ही सो मन लाई, मन ही सो मन मिली रहिया, दादो अनत न जाई। शब्द के लिए कहा गया है, साध शब्द सो मिली रहे, मन राखे बिलमाई, साध शब्द बिन क्यों रहे, तभी बिखरी जाई। संत दादू दयाल जी, जो दृष्टि योग करता है सूक्ष्म मंडल में प्रवेश करता है और शब्द ध्यान से सूक्ष्म मंडल को दृश्य और अदृश्य दोनों जगत को पार करता है, मुक्ति को परिषद में आया है। प्रभा शून्यंग मन शून्यंग बुद्धि शून्यंग चिदात्म कम अत्यावृति रूपोशो समाधिर मुनि भावितः, अर्थात ज्योति मन तथा बुद्धि रहित होकर केवल चैतन्य आत्मा ही रहे, यह अत दव्यावृति जिसको किसी दूसरे की आवश्यकता न हो समाधिस्थ मुनियों से अभिलषित है, उसके वास्ते ब्रह्म ज्योति को पार करके नादानुसंधान नाम भजन करना है। यहां ईश्वर को किसी रूप में बुलाकर दर्शन करना नहीं है, बल्कि शरीर इंद्रियों को छोड़कर पवित्रता पूर्वक रहकर ईश्वर दर्शन किया जाता है। घर वार में रहने वाले भी इसका साधन कर सकते हैं, सब कोई इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए मन की शुद्धि होनी चाहिए। मन की शुद्धि के लिए पांच पाप नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, किसी प्रकार की नशा को मत लो, बेविचार मत करो और हिंसा नहीं करो। जो अपने को पांचों पापों से बचाता है वह भजन ठीक ठीक कर सकता है, जो भजन करता है वह पाप कभी नहीं कर सकता है। इसके लिए यानी भक्ति के लिए प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। संत कबीर साहब ने कहा है, प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिंभ विचार, उद्र भरण के कारण जन्म गवायो सार। यदि ख्याल करो कि यह भक्ति कलयुग में नहीं होगी तो यह समझना भूल है। आज तक 5000 वर्ष कलिकाल को हुए, इसके अंदर कितने संत महात्मा हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि काल धर्म भक्ति नहीं होने देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, काल धर्म व्यापय नहीं तेही, रघुपति चरण प्रीति अति जेही। जो कलयुग परीक्षित के डर से गिरगिराया था वह ईश्वर के सामने क्या कर सकता है। इसलिए ईश्वर भजन करो, अपने को पवित्र रखो। यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत श्री संतमत सत्संग मंदिर परवत्ती में दिनांक 24/4/1960 ईस्वी को रात्रि कालीन सत्संग में हुआ था। प्रवचन पाठ 26 दिसंबर 2018 प्रातः कालीन। श्री सद्गुरु महाराज की जय।